जी आइए हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं दिल्ली से। ये दीपक साहब की तरफ से है ये प्रश्न। इन्होंने जो चेक करना चाहा क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक है तो स्क्रीन पर आइए इसको लेते हैं। इनकी तरफ से ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है या इनफैक्ट उसका कुछ मिसयूज हो जाता है उसके बाद तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रहता है वो किस तरह से वर्क करेगा, उसकी कैसे लायबिलिटी रहेगी, इससे सेंट्रिक इनका ये प्रश्न है दीपक साहब का। अभिषेक साहब अगर कुछ ऐसा होता है मतलब अगर कहीं ये मिसप्लेस हो गया कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड में तो क्यों ना ये सबसे पहले वो नौबत ही ना लेने कि वो मिसयूज हो उसको इमिजिएटली क्या ब्लॉक करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नहीं मूव करना चाहिए ताकि वो मिसयूज हो ही ना सके। जी हाँ बिल्कुल इनको करना चाहिए। जैसे इन किसी को लगे कि क्रेडिट कार्ड इनका इन्होंने ये लोकेट नहीं कर पा रहे हैं और इनका लॉस्ट हो गया है सबसे पहले इनको कॉल सेंटर में फ़ोन करके इसको ब्लॉक करा देना चाहिए। और टिपिकली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा रूल होता है कि अगर आप विद इन 24 आवर्स अगर आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हो तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें आप सेफ हो तो उसमें टिपिकली बैंक आपको चार्ज नहीं करती है। लेकिन अगेन आपको हर एक क्रेडिट कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट उसमें नॉर्म्स होते हैं। जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड जो काफ़ी हाई रेंज के होते हैं उसमें बैंक काफ़ी हैवी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है आपको कि अगर आपको टिल 1 लाख टिल 2 लाख अगर मिसयूज हो भी जाए अगर आफ्टर 24 आवर्स तो भी बैंक आपको वो आपसे चार्ज नहीं करेगी क्योंकि वो इंश्योरेंस वो कंपनी से क्लेम कर लेगी। तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली कार्ड के ऊपर भी, बट वन इज जब भी आप इनका कार्ड है ये पता करेंगे क्या उसके नॉर्म्स हैं। और दूसरी बात कि जब भी इनका कार्ड लॉस्ट हो सबसे पहले डेफिनेटली ये कॉल सेंटर को फोन करके इस कार्ड को ब्लॉक कर दें। राइट बलवंत साहब, वहीं अगर हम डेबिट कार्ड स्पेस में देखें अभी जो पिछले दिनों हमने देखा है कि आप तो ट्रांजैक्शंस में पिन भी मेंशन करना है, लगता है आपको एक वो अच्छा एक वेलकम मूव है क्योंकि उसमें कई बार होता था अगर मिसप्लेस होता था और मिसयूज हो जाता था तक ब्लॉक होता था तो इंडिविजुअल के लिए काफ़ी वो उसमें महंगा पड़ता था, मतलब वो एक काफ़ी एक वेलकम मूव है आपको लगता है। हम डेबिट कार्ड के फ्रंट पर आपसे व्यू चाह रहे हैं बलवंत साहब। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये तो एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर लगा दी है तो जितनी सिक्योरिटी लेयर होगी उतना कंज्यूमर के लिए फायदेमंद ही है। तो जैसे अगर उनको जो एटीएम अगर कार्ड भी गुम गया, डेबिट कार्ड किसी का गुम गया, परंतु कार्ड गुमना और उसके जो जिसको कार्ड मिलता है उसके हाथ में उसका एटीएम पिन आना दोनों तो साथ में नहीं हो सकता। और आपको जब भी डेबिट कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो आपको एटीएम की जो पिन है वो भी क्लीन करनी पड़ेगी। तो जो जो फ्रॉड्स वगैरह एटीएम के होते थे वो मेरे को लगता बहुत कम हो जाएंगे, मतलब एक बंद तो एकदम से आप कर नहीं सकते कुछ भी, पर एकदम कम हो जाएंगे। राइट इसी प्रश्न में अभिषेक साहब इन्होंने एक और एडिशनल एक पॉइंट मेंशन किया है उस पर भी राय चाह रहे हैं। इन्होंने जानना चाहा कि अगर इंडिविजुअल कोई यूज़ करता है कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और समहा उसके बाद कुछ इंडिविजुअल के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो इन दैट केस फिर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और अगर वो इंडिविजुअल नहीं रहता तो इन दैट केस क्या लीगल है उसके लिए लाइबल है देने के लिए या इनफैक्ट वो इंडिविजुअल तक ही सीमित होता है। देखिए ऐसा है कि अगर ये कवर नहीं है बैंक के नॉर्म्स के में जब उन्होंने कार्ड लिया था जब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन किया था अगर इसे नॉर्म्स के अंदर नहीं आता है तब ये काफ़ी मुश्किल होगा इनको कि बैंक विदस्टैंड करे। मेरे ख्याल से उस केस में इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर ये नॉर्म्स के अंदर है कि विद इन 24 आवर्स अगर आप हॉटलिस्ट कराए तो हॉटलिस्ट बेसिकली उसको बोलते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रेक्ट फोन किया और बोला कि मेरा कार्ड लूज हो गया है लॉस्ट हो गया है तो उस केस में इनको नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉर्म्स के अंदर नहीं आ रहा है तो शायद इनको उस केस में पे करना पड़ सकता है। राइट आइए अब हम अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं।